तो यह है गाइस फायरबोल्ट के तरफ से आने वाला सबसे महंगा स्मार्ट वॉच, और जैसे ही मैंने इसे परचेज किया 14 से 15 दिन में ही ये खराब हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे परचेज किया था तो 14 से 15 दिन भी नहीं चला ये, उसके बाद फिर चार्ज लेना बंद कर दिया। तो गाइस कैसे मैंने इसको रिप्लेस करवा के न्यू वन लिया है फायरबोल्ट इनविंसिबल का, तो इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देख लेना और समझना एक एक स्टेप की कैसे मैंने न्यू रिप्लेसमेंट करवाया और वो भी घर बैठे। तो गाइज लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके लिए गाइज तुम लोग को फायरबोल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट में गाइज ध्यान देना कि तुम्हारे पास इनवॉइस होना चाहिए स्मार्ट वॉच का, और स्मार्ट वॉच का जो पैकेट है वो भी होना चाहिए सही से, और उसके अंदर के जो एसेसरीज है गाइज वो भी बढ़िया होना चाहिए, और स्मार्ट वॉच का जो कंडीशन है वैसा थोड़ा बहुत घिसा हुआ वो चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे आ जाना है वेबसाइट के, और यहाँ पे तुम लोग को हेल्प डेस्क में आना है। हेल्प डेस्क में आने के बाद गाइज तुम लोग को मिलेगा यहाँ पे रजिस्टर अ कंप्लेंट, और रजिस्टर अ कंप्लेंट में तुम लोग को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को दिख रहा है, और रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद रजिस्टर अ कंप्लेंट, फिर उसके बाद रजिस्टर अ कंप्लेंट तुम लोग को कर देना है। फिर उसके बाद गाइज क्या करना है कि अपना ईमेल आईडी रखना है, और उसके बाद अपना नंबर डाल देना जल्दी जल्दी फटाफट से। और गाइज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुमको कहाँ से तुमने परचेज़ किया है वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अगर तुमने ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ किया तो गाइज तुमको रिटेलर शॉप लिखना है। ठीक है, रिटेल शॉप करके गाइज, लेकिन इनवॉइस नंबर फिर भी तुम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर उसके बाद गाइज तुम्हें स्मार्ट वॉच में ऑप्शन करना है क्लिक, और स्मार्ट वॉच में जो तुम्हारा मॉडल है गाइज तो वो तुम्हें क्लिक करना है। फॉर मी ये था फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस। उसके बाद जो तुम स्मार्ट वॉच है गाइज, उसके बाद तुम जो भी स्मार्ट वॉच है तुम्हारा उसमें क्लिक कर देना, जो फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस मैंने लिख दिया। उसके बाद गाइज तुम्हारा कौन से रंग का था, तो फॉर मी वो गोल्ड था। और ठीक है, गोल्ड है कि नीचे तुम लोग को इस वॉच को रिप्लेस करवाने का रीज़न लिखना पड़ेगा, और रीज़न गाइज करेक्ट रीज़न होना चाहिए कि क्या तुम्हारी वॉच में ख़राबी आया है। फॉर मी जैसे मैंने अपना वॉच को चार्ज लगाया और वो चार्ज होने से बंद कर दिया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा उसके बाद चार्ज लगाने के बाद, तो डिवाइस ऑन ऑफ इशू आएगा। तो मैंने यहाँ पे डिवाइस ऑन ऑफ इशू कर दिया, उसके प्लीज़ मेंशन योर इशू, टाइटल लिख देना कि क्या चीज़ खराबी हुआ, बटन खराबी हुआ है, स्क्रीन खराबी हुआ है, टच काम नहीं कर रहा, जो भी तुम लिख देना। और गाइज उसके बाद क्या तुम लोग को अटैच करना पड़ेगा उसका इनवॉइस। अब इनवॉइस में गाइज क्या होता है कि इनवॉइस में तुम लोग को पीडीएफ डालना पड़ेगा। ठीक, नीचे अटैच फाइल आ रहा है, और अटैच फाइल कैसे तुम लोग को मिलेगा, अगर तुमने अमेज़ोन से परचेज़ किया है और किसी भी वेबसाइट से परचेज़ किया तो वहाँ पे जाके तुम लोग को डाउनलोड इनवॉइस में क्लिक करना है। जैसे तुम डाउनलोड इनवॉइस कर दोगे वहाँ पे तुम लोग को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद गाइज क्या है, ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी और इनवॉइस नंबर गाइज देख सकते हो ऐसा होता है, दोनों डिफरेंट है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान से वो सब लिख लेना। और उसके बाद गाइज आता है इनवॉइस डेट। अब इनवॉइस डेट में गाइज तुम लोग को तभी का तारीख लिखना पड़ेगा जो तुम्हारे इनवॉइस में होगा डेट, वही वाला डेट तुम लोग को यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जितने का तुमने परचेज़ किया था यहाँ पे, कि फॉर मी 4,450 रुपये का स्मार्ट वॉच था तो मैंने वो लिख दिया। अब बोल रहा है कि क्वांटिटी कितना था, ये यहाँ पे क्वांटिटी तुम लोग को एक लिख देना है। ठीक है, अब क्वांटिटी के बाद तुम्हारा घर का एड्रेस यहाँ पे तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट घर का एड्रेस लिख लेना, प्लीज़ एंटर योर कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख लेना, लैंडमार्क घर के पास का जो एरिया है, और उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, और उसके नीचे अपना पिन कोड जो है वो डाल देना, और इसको तुम लोग को प्लीज़ टिक इफ़ रिप्लेस यूनिट इज़ सेम। ठीक है, तो यहाँ पर टिक करके इसको तुम लोग को छोड़ देना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद गैस क्या है, यहाँ पे गैस कंप्लेंट टाइप में फिर वही चीज़ तुम लोग को और एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद गैस कंप्लेंट टाइप में तुम लोग को करना पड़ेगा कि कंप्लेंट टाइप क्या होना चाहिए। यहाँ पे गैस अगर तुम लोग को रिटर्न या तो रिफ़ंड चाहिए, अगर तुम उसको रिफ़ंड लेना चाहते हो अपने पैसा बैंक अकाउंट में, तो तुम लोग को ये करना पड़ेगा। उसके बाद गैस अगर तुम लोग को चाहिए कि भाई रिप्लेस चाहिए, तो तुम लोग को ये अदर में लिख देना। ठीक है, अदर में ऐसे करने के बाद वो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई बंदे को रिप्लेस चाहिए। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट करके सबमिट कर देना है। सेंड करोगे तो उसके कम से कम 6 से 7 दिन बाद आएगा मेल, ये नहीं कि जैसे तुमने आज किया तो कल आ जाएगा मेल, इतना फास्ट नहीं होता। ठीक है गाइस, 6 से 7 दिन में आएगा, अभी कोई बंदे इंतज़ार नहीं कर सकते। कम से कम मैं बताता हूँ 1 मंथ तुम्हें रिप्लेसमेंट का लगेगा। अगर तुम्हारा घर बढ़िया लोकेशन में है तो तुम्हें 20 से 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, फॉर मी 1 मंथ लगा था गाइज रिप्लेस होने में घर बैठे। एक हफ्ते बाद मेल आएगा, और मेल में तुम्हारा ये चीज़ लिखा हुआ होगा कि भाई वी हैव रिसीव्ड, और तुम्हारा ये स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। उसके अब गाइज उसके बाद एक मेल आएगा, और तुम्हारे में वो मेल में लिखा हुआ होगा कि 20 MB का एक वीडियो दो और घड़ी में क्या खराबी है वो दिखाओ। तो तुम्हें वो देना पड़ेगा, 1 मिनट का वीडियो बना के दे देना 20 MB का, और क्या खराबी है घड़ी का वो दिखा देना।
और फिर उसके बाद तुम उसी वाले मेल में उसको सेंड कर देना। तो तुम्हारा वो लोग देखेंगे कि भाई क्या चीज़ ख़राबी हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर वो जो तुम्हारा वॉच है ना, उसको लेने के लिए वो एक अपना एजेंट को भेजेंगे, जो कि आएगा डिलीवरी या तो, और एक वेबसाइट आता है वहाँ से आएगा। अब तुम्हारा वॉच तुम लोग उसको दे देना और तुम्हारा रिवर्स पिकअप डन हो जाएगा उसके बाद। अब गाइस रिवर्स पिकअप डन होने के बाद फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर तुम लोग को मेल आएगा कि भाई जो तुम्हारा प्रोडक्ट था वो हमने देख लिया, उसको प्रोसेस कर लिया और वो सच में ख़राब है। बोलेंगे कि तुम्हें कुछ दिन में तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। और गाइस अभी मैं बता देता हूँ, कुछ दिन में अगर स्टॉक में हुआ वो सेम प्रोडक्ट, अगर वो सेम प्रोडक्ट स्टॉक में हुआ या तो उनके पास अवेलेबल हुआ तब मिलेगा। अगर तुम्हारा स्टॉक में अवेलेबल नहीं हुआ तो वो लोग दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं, या तो कोई भी वॉच होगा तुम लोग को रिप्लेसमेंट में वही दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तुम ध्यान में रखना, रिप्लेसमेंट करवाने तुम भेज रहे हो या तो कोई भी अगर माइनर डिफ़िकल्टी है तो उसको रिप्लेसमेंट बंद करवाओ, अगर मेजर डिफ़िकल्टी है तो फिर उसमें करवा दो। ठीक है गाइस, मेजर वालों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उनका वो पक्का नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट भेजेंगे तुम्हें रिप्लेसमेंट के बाद। फिर आफ्टर दैट गाइस, उसके बाद जो तुम्हारा रिप्लेसमेंट है वो तुम्हारा डिलीवरी बॉय या तो ब्लू डार्ट बॉय लेके आ जाएगा। अब गाइस जब वो लेके आएगा तो 1 रुपये भी मत देना उसको, बस तुम लोग को लेना है उसको एक वीडियो बना लेना। ठीक है, उसको फिर वॉच को निकाल के उसको एक बार टेस्ट करके बस फिर वीडियो क्लोज़ कर देना। क्या पता फिर कोई और प्रोडक्ट डाल दिया, कोई और प्रोडक्ट डाल दिया वो, तो फिर उसको तुम लोग को वीडियो बना के फिर देना पड़ता है, क्योंकि कई बार स्टॉक में नहीं होता तो वो लोग सस्ता सा कोई वॉच दे देंगे, या तो कोई भी वॉच हो गया। मेरे वाले में तो मेरे को इनविंसिबल था तो मेरे को इनविंसिबल मिल गया। अब गाइस कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि कई बार क्या होता है तुमने रिप्लेसमेंट के लिए अपना वॉच भेज दिया, अभी क्या होगा गाइस इसमें डिले हो सकता है, अगर उन कंपनी वाले के पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है वो वॉच तो वो तुम्हारा या तो दूसरा रिप्लेस कर देंगे वॉच कोई सस्ता सा दे देंगे, तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या तो वो लोग बोल देंगे कि भाई मैं कूपन कोड दे देता हूँ। ठीक है, तो या तो तुम्हें कूपन कोड मिल जाएगा। ओके, अगर कूपन कोड नहीं मिल रहा तो तुम लोग को दोबारा मेल कर देना और बोल देना कि भाई मेरे को कूपन कोड नहीं चाहिए, मेरे को जो रिप्लेसमेंट था वही मेरे को चाहिए। ठीक है, ओके।